देखा रोहेला कदमों से जुड़ा मुहार वाले की खुशी कितनी थी, मुहार की फिदा चश्मे मार रोशन के तराने से भूल रही थी और आलमे गैब में तेरे बादशाह के शादियाने बन रहे थे। रोहेला आ गया था और मुहार वाले का दिल खुशी से लबालब भर गया। तकलीफ का हुक्म सारे हुआ, सब लोग बादीदे नम उस अर्श मुकाम की महफिल से उठे और चुप चुकी थे बाहर निकले। अब वो था और उसका रोहेला वो भेद खोल रहा था, अनफसो आफात के भेद, हयात और कायनात के भेद। रोहेला अमतन कोश था, उसने दामन फैला रखा था और उसके सीने दिल पर अनवार की बारिश हो रही थी। इस खुशासार मंजर की जलवा आ रही थी, दो पहर गुजर गए। वो कह रहा था जब फख्रे जहां आलम जामिना से मायने परवास थे तो मैं मुहार में था। वो कह रहा था जब फख्रे जहां आलम जामिना की तरफ मायने परवास थे मैं मुहार में था। जब शाह करीमुल्ला जहां आबादी ने रखते सफर बांधा था, निजामुद्दीन औरंगाबाद के जला नवा थे। जब बाबा फरीदुद्दीन वासिल बहक हुए, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में मौजूद थे, ये हमारे मशाइख की सुन्नत है। अब तुम भी इस बस्ती के बाहर निकल कर मस्जिद में मुकीम हो जाओ, अगर तुम्हें कोई खबर मिले तो वापस नहीं आना, वहीं इंतज़ार करना। वो उठा और क़िबला आलम से लिपट गया। उस समय उसे यूँ लगा जैसे पूरी कायनात उसके कलामे में आ गई हो, सारे आफात उसके वजूद में गुम हो गए थे और वो मस्जिद की ओर चल पड़ा। अगले रोज जब नक्कारे पर पहली चोट पड़ी, वो मस्जिद में मराकब था, उसका दिल बलियों उछलने लगा। जब मौत नकारा बाज चुका तो मुनादी ने सदा लगाई, मुहार वालों मुहार वाला नहीं रहा है वावेला जहां बे नूर गश। जब मौत नकारा बाज चुका तो मुनादी ने सदा लगाई, मुहार वालों मुहार वाला नहीं रहा है वावेला जहां बे नूर गश। ये सुनना था कि उसका ज्ञान भूल गया, उसकी आंखों में अंधेरा छा गया था, उसे कुछ सुझाई न दे रहा था, उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात जारी थी। मुहार की बस्ती ने उदासी की चादर ओढ़ ली थी और उस पर जो मलाल के बादल उड़ाए थे। जब उसका जनाजा उठा तो एक कोहराम बरपा हो गया, क्या छोटे और क्या बड़े, क्या मर्द और क्या औरतें, क्या अपने और क्या पराए, क्या मुंतदी और क्या मुंतही, सब के सब नौजवान थे, भरी पूरी कायनात रो रही थी। जब जनाजा मस्जिद के आगे से गुजरा तो भी सुनों में था बोले, खानदान चिश्ता चराते जावेदा बस्ती ताज सरद के जेर खाक रख दिया गया। सब अपने अपने घरों को लौट गए मगर वो अपने मखदूम के दरवाजे पर बैठ गया। फिर देखने वालों ने देखा और सुनने वालों ने सुना और लिखने वालों ने लिखा कि वो पूरे छः महीने उस प्यारे मुंह से बाहर नहीं निकला। क्या क्या अनवार थे जिन्होंने उसे मेरे आलम ताज बना दिया और क्या बादल थे जो उस पर बरस गए। आज भी बख्शी गई कम कर दे फकीर के साथ, देने वाले में उसे कौन सी दौलत नहीं। साहिबो जब वो गुड़गोजी से मुहार आया था तो बिल्कुल अकेला था और अब जिस वक्त किबला आलम का फैजान करम अपनी गठड़ी में बांध कर तौसे की जानिब रवाना हुआ तो वो अकेला नहीं था बल्कि पूरी कायनात उसके हमराह चल गई। संगड़ के किनारे जब उसने अपनी झोंक बसाई तो यूँ लगता था जैसे सारी दुनिया तौसे में सिमट रही। बल बुखारा खुरासान
کی حیرات، غزنی، کابل، اجمیر، دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد، راجستھان، بہار اور دگر کی کافی پروگرام، پنجاب اس کی راجدھانی، اس بستی میں اس کے آن اترنے سے ایک میلہ سا لگ گیا۔ وہ ایک ایسا سائبان تھا جس کے سائے میں دکھوں کی دھوپ میں جلتے پوچھتے لوگ بنا دیتے۔ وقت کے چرخے پر، وہ وقت کے چرخے پر زندگی کے کچھ رنگ آگے کاٹ رہا تھا تاکہ قلت خیر سے خلق خدا کی عیب پوشی کا سامان کر سکے۔ اس نے توسے میں ایک تحصال لگا رکھی تھی جہاں دل سہل ہو گئے، اسے دل کی نگری بسانے کا ہنر آتا تھا۔ مردہ دل زندہ ہو گئے تھے اور تاریخ دل روشن، وہ دلوں میں چراغ رکھ رہا تھا ہم محبت۔